फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीटी जीटी पीजीटी के पेपर ओवर हो चुके हैं और रिजल्ट बस आपको 15 सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। सूत्रों और मीडिया के मुताबिक ये खबर आ रही है। तो चलिए मैं आज आपको कुछ खबरें बता देती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कराए तो हज़ारों लोगों की तरह कर दीजिए ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो मैं आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू दिखाना चाहूँगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए कि 1453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद भर्ती इंतजार करने वाली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पदों के लिए अधिवाचन मिला। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस कार्यवाह में के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य जाएंगे। यानी कि जो ये प्रधानाचार्य कहते हैं, 1453 जो है प्रधानाचार्य जो है मिलेंगे, ठीक है, एडेड विद्यालयों को, ठीक है। ये है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 2021 प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त हैं, जो कि सुप्रीम का आदेश है 31 अक्टूबर तक करनी है। यानी कि जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 31 अक्टूबर से पहले जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है सबका होना अनिवार्य है, ऐसा कोर्ट का आदेश है, ठीक है। तो उस हिसाब से जल्द ही होंगे काम। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की ओर। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, इसको शेयर भी करिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं है तो उनको भी इस चीज़ की नॉलेज रहे। फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ यूपीटीटी से रिलेटेड दिखाना चाहूँगी। यूपीटेट 2020 का विज्ञापन आखिर कब तक आएगा? लाखों छात्रों के मन में अभी भी ये सवाल बड़ा गूंज रहा है। यूपीटेट के पिछले नए हुए और यूपीटेट को लेकर छात्र काफ़ी चिंतित हैं। पूरे प्रदेश में लाखों छात्र डाउनलोड बीटीसी किए हुए, लेकिन यूपीटेट अभी नहीं हुआ, इसलिए वह चिंतित हैं कि कहीं प्राथमिक भर्ती टेट के लिए पहले ना आ जाए। यूपीटेट को लेकर तो के बाद पूरा समय सारणी भी दिया जा रही है, लेकिन कोविड के चलते आवेदन हुए नहीं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो यूपी टेट है उसका 2020 से अभी तक कोई आवेदन के कोई अता पता नहीं है। बार बार डेट्स आती हैं, बार बार कैंसिल हो जाता है। और वैसे भी सूत्रों के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में उसका मे बी पेपर हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब तक आयोग की तरफ से ये चीज़ नहीं आ जाती है तब तक हम लोग किसी चीज़ का भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एलटी ग्रेड का मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था। यदि आपको एलटी ग्रेड के बारे में सिलेबस या एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन कितना है, यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैंने एलटी ग्रेड के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसा कि आपको एलटी ग्रेड का बता दें, एलटी ग्रेड में जो है अब वैकेंसीज तो आ ही रही हैं। जिनका यूपी पीजीटी जीडीएम नहीं हो पा रहा है उनको जो है बिल्कुल भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको करना क्या है, एलटी ग्रेड का थोड़ा सिलेबस हार्ड ज़रूर होता है, लेकिन आपको जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी में बेस थोड़ा क्लियर है तो उस हिसाब से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। आप पढ़ाई अच्छे से करिए, दैट्स इट। टाइम बहुत कम है, आप लोगों को पढ़ाई ज़्यादा करनी है, अभी से स्टार्ट कर दी। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड में सुनने में यही आ रहा सूत्रों मीडिया के मुताबिक कि 15 से 16 सितंबर की डेट में जो है एलटी ग्रेड की विज्ञापन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी इस चीज़ का आवेदन भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ओएमआर शीट में संशोधन का मांगा अवसर। ये आपने देखा होगा, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की प्रवक्ता पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में संशोधन का अवसर मांगा है। अभ्यर्थियों ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात कर गुहार लगाई। प्रतियोगियों छात्रों का कहना है कि मानसिक दबाव से ओएमआर शीट भरने में त्रुटि हुई, इससे उनका भविष्य अंधकार में लटक सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनको टेंशन थी इस बात की, और इस वजह से उन्होंने जो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और टेंशन की वजह से उनसे ओएमआर शीट में जो है मिस्टेक हुई, तो उस चीज़ को सुधारने का उनका मौका दिया जाए, ऐसा स्टूडेंट्स की मांग है। तो चलिए अब देखते हैं होता क्या है। और रही बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनकी कट ऑफ, लेकिन अगर 100 प्लस गई है, 105 प्लस गई है, बहुत सारे छात्रों की 105 प्लस गई है जिस हिसाब से उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके पास कॉल आ सकती है यदि आपका 105 प्लस गया है क्वेश्चन सही, ठीक है। उसके लिए इंटरव्यू की आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग को कमेंट सेक्शन बताइएगा। यदि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, मैंने इंटरव्यू पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आपने नहीं देखी अभी तक जाकर देख लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा यदि आपको इसी तरह की अपडेट्स चाहिए। थैंक यू सो मच।